आप लोग देख सकते हैं एमडीयू में छात्र जो हैं प्रत्यक्ष चुनाव की मांग को लेकर अड़े हुए हैं छात्र संगठन, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर ये जो आसमानी कलर की शर्ट में वीसी खड़े हैं और ये यहाँ पर छात्र खड़े हैं और बीच में पुलिस खड़ी है। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आपको, ये वीसी दिखाई दे रहा है, ये पुलिस खड़ी है और ये खड़ा है यहाँ पर छात्र। अभी ये वीसी आया है इनसे मिलने के लिए, आप लोग देख सकते हैं कि वीसी इनसे मिलने आया है। अनुशासन बनाने की मांग कर रहे हैं छात्र नेता, सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि अनुशासन बनाया जाए। छात्रों में गुस्सा है, देखिए इनका गुस्सा किस तरह से फूटा है कि कितना मतलब गुस्से में। वीसी को इस तरह से ऐसा क्या कर दिया वीसी ने, बेचारे ने बस थोड़ी सी लाठी चार्ज ही तो करवाई है, हैं अब उनकी जान लोगे क्या? अबे सुन भी लो उनकी, आप लोगों के चुनाव करवाने तो लग रहे हैं लेकिन नहीं, वीसी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं वीसी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सभी छात्र जब प्रत्यक्ष चुनाव की मांग पर अड़े हुए हैं तो ये प्रत्यक्ष चुनाव क्यों करवा रहे हैं, इससे अच्छा तो न करवाते तो ही बेहतर था। ये यहाँ पर हम जूम करते हैं वीसी पर, वैसे भी वीसी कद में इतने छोटे हैं नज़र ही नहीं आ रहे छात्रों के बीच। हाँ दिखे चश्मे वाले, छात्र कह रहे हैं कि हम पर लाठी चार्ज किया गया, हम विश्वविद्यालय के छात्र थे न कि आतंकवादी, हम पर लाठी चार्ज क्यों किया गया, इससे छात्र नाराज हैं। वीसी साहब जवाब दो के नारे लगने शुरू हो गए हैं। जाट कॉलेज में भी बच्चों की गिरफ्तारियां हुई हैं कहने को सुनने को मिल रहा है। लड़कियों पर लाठी चार्ज किया गया है, पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया था, एक प्रत्यक्ष छात्र संघ के चुनाव ही तो मांग की थी। गुस्सा बहुत है छात्रों में और कहीं ना कहीं ये गुस्सा जायज़ भी है कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लाठी चार्ज यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है न कि बाहर। इनका यही कहना है कि पुलिस के बैरिकेड्स बाहर लगाए जाए और पुलिस को बाहर भेजा जाए। हम यहाँ कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं। ये छात्र यहाँ भी खड़े हैं और यहाँ पर भी ये हुजूम लगा हुआ है छात्रों का, वीसी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ स्टूडेंट्स की मांग है कि पहले जितने छात्र गिरफ्तार किए गए हैं पहले उनको छोड़ा जाए, बाद में ही बात करेंगे। प्रत्यक्ष चुनाव की मांग करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव को खारिज करते हैं।